नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर हो रही है। आप इस कॉल को देख रहे हैं, ये अपाची की कॉल है। अभी यहाँ से शॉर्ट कर गई है पूरी कॉल, यहाँ से पूरी शॉर्ट कर चुकी है। इसके शॉर्ट करने से पूरी गाड़ी में कहीं भी करंट की सप्लाई नहीं हो रही है, तो रिमांड कैसे किया जाता है? पहले इसको पूरा खाली किया जाएगा। कॉल बुरी तरह शॉर्ट हो चुकी है। पूरी कॉल अपाची की कॉल है। ये अपाची कॉल की विशेषता होती है कि इसमें एक कट बना रहता है, यहाँ पर इसमें ये खाली जगह रहती है, यहाँ कोई कॉल नहीं रहती है। ये तो पूरे गल चुका है पूरा इसमें। कॉइल फ्रेश करने में काफ़ी टाइम लगता है। जब तक पूरी कॉइल फ्रेश नहीं होगी तब तक ये भर नहीं पाएंगे हम इसको। ये देखिए पूरी कॉइल काली पड़ चुकी है, पूरा इसका इंसुलेटिंग निकल गया कॉइल का। काफ़ी वायर लगता है इसमें, पर स्लाइड में काफ़ी वायर लगता है। इसके जो स्लॉट होते हैं बहुत कम रिस्क होती है। देखिए पूरी कॉइल खाली हो चुकी है, पूरी कॉइल इसकी खाली हो चुकी है। देखिए पूरी कॉइल इसकी खाली हो चुकी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका इंसुलेटिंग हट गया वायर का। इसमें जो इंसुलेटिंग होती है कॉपर वायर में, ये पूरी हट चुकी है इसकी, थोड़ा ये डैमेज हो चुका है वायर। ये बॉडी के संपर्क में आने से पूरा काला पड़ चुका है। ये देखिए पूरा इसका ये तार छिल चुका है, पूरी कॉइल बॉडी के टच में आने से शॉर्ट हो चुकी है। इस कॉइल को अब हम रिवाइंड करेंगे, आप लोग देखना इसको ऊपर नई की तरह ये कॉल हो जाएगी। ये देखिए पूरा निकला हुआ वेस्टेड स्क्रैप है ये। कॉइल का जो पैटर्न होता है रिवाइंड करने का बहुत ही सेंसिटिव होता है। एक एक इसका जो एक एक ग्रिफ्ट होता है, इसका एक एक स्लॉट होता है, इसमें पर वोल्टेज के हिसाब से मार्क करना पड़ता है इसमें कितने वोल्टेज हमें देना है, जिससे हमारी CDI भी ख़राब ना हो, प्रॉपर कॉइल सही रूप से वर्क करने लगे, सही रूप से बैटरी चार्ज हो। ये ऑयल में चलने वाली कॉइल है, फिर भी ये शॉर्ट सर्किट हो जाती है इसकी। देखिए ये आप स्लाइड देखिए गौर से, ये पूरा जल चुका है। इसकी जो प्लास्टिक होती है इसको बोबिन कहते हैं, ये सेपरेटर होते हैं, ये पूरे सेपरेटर का बोबिन इसकी जल चुकी है। अब इसमें हमें
कुछ आर्टिफिशियल व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे हमारा जो वायर है इस बॉडी के संपर्क में ना आए। ये कॉइल पूर्ण रूप से रिवाइंड हो चुकी है, ठीक है। इस कॉइल में सबसे मेन बात क्या होती है कि पूरी कॉइल में यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके जो स्लॉट होते हैं वो स्लॉट आपके हेडलाइट के होते हैं, और लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला आखिरी है, ये आपका लास्ट वाला बैटरी चार्ज करता है। लास्ट वाला जो इसमें स्लॉट होता है ये आपकी बैटरी चार्ज करता है। इसमें करीब 14 वोल्ट निकलते हैं जो चार्जर में जाते हैं, चार्जर्स को कन्वर्ट करके बैटरी के लिए दे देता है। तो ये कॉइल अपाची की कॉइल है, ये पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी थी, इसको हमने दोबारा रिपेयर कर दिया है। ये प्रॉपर अब नई की तरह कार्य करेगी, कहीं कोई इसमें अब दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्टर उड़ई, आप सभी लोगों से आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।